बुलबुल बुलबुल आके खोलो ना बुलबुल लूट बुलबुल बुलबुल लूट प्लीज आके खोल बेटा बुलबुल प्रज्ञा दी पास में हॉस्पिटल है वहीं लेके जाना पड़े जल्दी। ये पूरब अब तक क्यों नहीं आया? उसको कॉल करती हूँ। He always does this. रिलैक्स रिलैक्स आलिया। और अगर तू ऐसे ही पीछे पड़ी रहेगी ना तो दरवाजे से ही वापस चला जाएगा। You don't know how these men are. They need their space. अगर उन्हें अटेंशन ज्यादा दो तो वो हमसे दूर भागते हैं और अटेंशन कम दो तो पीछे पीछे आते हैं। So you really need to handle this पूरब, you know, nicely. अब प्लीज कोई ढंग का डिजाइन दिखाइए ना मुझे। Why you even wasting this my one. Look at this. It's so pretty. Please, it's too heavy for me. I think it's pretty. Design देख इसका। तू देख डिजाइन इसका। मुझे वैसे ही सोच सोच के इतनी टेंशन हो रही है कि इसे अपने गले में लटका के घूमना पड़ेगा। ऊपर से तू मुझे ऐसी ही चीजें दिखा रही है। मेरी फ्रेंड है या नहीं तू? आलिया, it's perfect. इसके डिजाइन देख। अगर इतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना तो अपने लिए ले ले। एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं। कुछ ही दिनों में बहन जी इस घर से बाहर होने वाली है और तू बनने वाली है मेरी कूल वाली भाभी। एक काम कर, भाई से जाके बात करो, इसे अपने लिए ले ले। Good idea. मैं अभी से मिल के आती हूँ। क्या को? आप मुझे कुछ लाइट सा दिखाइए प्लीज। या डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ? डॉक्टर को बुलाइए फॉरन। आइए मेरे साथ आइए। Excuse me, ma'am, please पहले आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। पेन पेन। ये जो साथ में गए वो क्या पेशेंट के हस्बैंड थे? जी। फिर तो पेशेंट के हस्बैंड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है अभिषेक। हाँ आप जल्दी फोन कीजिए। How's this? It's nice. आलिया के लिए? नहीं अपने लिए। What? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैंने तो अपनी तैयारियां कर ली हैं, अब तुम भी कर लो। वैसे भी वो चश्मिश कुछ ही दिन की मेहमान है, उसके बाद अपने हाथों से मुझे ये मंगलसूत्र पहनाना और मुझे अपनी वाइफ बना लेना। आई नो दादी को मनाना पड़ेगा ना। मना लेंगे। वैसे भी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पसंद की लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है तो वह तुम्हारी पसंद ही कंसिडर करेंगे। और उसी टाइम के लिए ये तुम अपने पास रखो। तनु, दादी कहती हैं कि मंगलसूत्र का टूटना इज अ बैड साइन। बट यू नो व्हाट तनु, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस एंड आई थिंक इवन यू शुडंट। अगर तुझे ये पसंद आया तो बिल्कुल सेम दूसरा बनवा लेंगे। ओके, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। क्या? कब? कहाँ? ओके, आई एम रीचिंग। चश्मिश का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? I have to rush, but please don't tell Dadi, all right? Bulbul, hush mein ho na, Bulbul. Bulbul. Doctor! Doctor! Koi doctor kyun nahi hai yahan pe? Kahan hai doctor? Bulbul! Bulbul, kuch nahi hoga. Main hoon na tumhare saath. Main hoon na, kuch nahi hoga. डॉक्टर 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 कहाँ थे आप? आपको ड्यूटी नहीं पता क्या अपनी? देखिए ना बुलबुल तब से पड़ी हुई, देखिए ना क्या हुआ, देखिए ना। इन्हें क्या हुआ था? डॉक्टर एक्सीडेंट हुआ था, बेहोश हो गई वो उसके बाद। प्लीज आप बाहर जाइए। देखिए मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा जब तक इसका इलाज नहीं होता। देखिए अगर आप बाहर नहीं जाएंगे। देखिए मैंने आपको कहा ना मैं कहीं नहीं जाने वाला, काम नहीं कर पाएंगे मैं यहाँ इसके साथ, आप जानते हैं। इट्स ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज। देखिए इन्हें कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? पेशेंट यहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ? आपको जितना पैसा चाहिए आप लीजिए, पर इसका ट्रीटमेंट अभी के अभी चालू करें। देखिए आप समझ नहीं रहे। समझ आप नहीं रहे डॉक्टर, मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। और अगर आपसे ट्रीटमेंट नहीं होता तो मत करिए, किसी और को बुलाइए, किसी स्पेशलिस्ट को बुलाइए, पर ट्रीटमेंट अभी चालू। शांत हो जाइए, ये तो माइनर सा एक्सीडेंट था, शॉक की वजह से बेहोश हो गई है, कुछ ही देर में होश में आ जाएंगी। कोई इंटरनल ब्लीडिंग होगी, कुछ होगा, आप टेस्ट कीजिए। एक मिनट प्रज्ञा दी, आप प्लीज रेडी।
अब टेंशन मत लीजिए, मैं बुलबुल को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रज्ञा आप यहाँ क्यों खड़े, आप ट्रीटमेंट चालू क्यों नहीं कर रहे? देखिए अगर बुलबुल को कुछ भी होना तो मैं आप सब पे केस कर दूंगा। अब बेकार ही परेशान हो रहे, देखिए वो बिल्कुल ठीक है। सब पे केस कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। क्या टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे, अपनी जॉब नहीं कर रहे? तुम ठीक हो? पता कितना घबरा गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो कैसे चल रही थी रोड पे? हाँ लापरवाह की तरह, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ये बात ऐसे कभी मत कर। बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ से। आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ दवाइयां लिखी हैं, केमिस्ट से ले लीजिएगा। प्रज्ञा नाम का एक्सीडेंट पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ है, कौन से रूम नंबर में हो? रूम नंबर 103। अरे ये तो अभी है वो रॉकस्टार अभी। हाँ हाँ चल चल ऑटोग्राफ लेते हैं। अभी अभी सर, अभी सर, सर सर रुक जाइए ना प्लीज प्लीज, एक एक फोटोग्राफ प्लीज सर। सर सर एक ऑटोग्राफ प्लीज सर। हॉस्पिटल है या शादी का हॉल? मेरे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है, तुम लोगों को ये ऑटोग्राफ फोटोग्राफ चाहिए? रूम नंबर 103 का है। जरा डॉक्टर को बुला जल्दी। ए हेलो, मैं डॉक्टर हूँ, आप कौन? तो रिसेप्शनिस्ट वाले सवाल क्यों पूछते हो? डॉक्टर तो इलाज करो ना। और ये इतनी गंदगी क्यों यहाँ पर? पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं, पेशेंट अपने आप बेहोश हो जाएगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम जानते हो कौन है? Do you know who she is? लेके जाते हैं रॉकस्टार की बीवी का ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो तुम लोग? Go call your dean. ऐसी कंप्लेन करूंगा ना तुम्हारी, या तो तुम्हारी नौकरी जाएगी या इस क्लिनिक का लाइसेंस। देखिए आप देखिए देखिए, यहाँ पर इतनी गंदगी है और ये केले का छिलका पड़ा है जमीन पर। माना केला सेहत के लिए अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जमीन पर छिलका फेंक दो, अगर कोई फिसल गया तो। लेकिन पेशेंट तो बेड पर ही है ना। ठीक है पेशेंट तो बेड पर है, लेकिन तुम तो अपनी टांगों पर हो ना, अगर तुम फिसल गए तो फिर पेशेंट का इलाज कौन करेगा? आप यहाँ, अरे तुम आराम करो, दर्द होगा तुम्हें, मैं हूं ना। अरे लेकिन मैं तो संभालूंगा इसको, टेंशन मत, ये एक नंबर का। तुम्हें इतनी जल्दी होश कैसे आ गई? बोल क्यों नहीं रही? सॉरी। हो क्या गया आपको? ये एक्सीडेंट होने के बाद भी कितनी जोर से चिल्ला रही? मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। लगता है चोट सीधे दिमाग पर लगी है, याददाश्त खो चुकी है। किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और तुम कितनी फोटो खींचोगी? पिक्चर ही बना लो ना। वो क्या रहा है इस हॉस्पिटल में? और तुम डॉक्टर है या कंडक्टर? खून अंदर जाने के बदले बाहर निकाल रहे हो। ओ, समझ गया, इलाज के नाम पर तुम लोग खून चोरी करते हो, उसके बाद ब्लैक में बेच दो, है ना? करेक्ट। देखिए आप, अरे आप देखिए, अब क्या देखोगे आप? अब कैसे फील हो रहा है? देखो चक्कर तो नहीं आ रहा है ना? आपका दिमाग चकरा गया, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इन लोगों को ब्लड की जरूरत थी, मेरा ब्लड ग्रुप मैचिंग था इसलिए मैं डोनेट कर रही थी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप किसी को कुछ कहने देते हैं? वैसे आप मेरे लिए परेशान हो रहे थे। परेशान तुम्हारे लिए? झूठ मत बोली,
कोई भी आपको देखता ना तो समझ जाता कि आप मेरे लिए परेशान हो रहे थे। हाँ मैं परेशान हो रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए, अपनी दादी के लिए। अगर मेरी दादी तुम्हें इस हालत में देख लेती ना तो मुझे इसी बेड पर लेटा देती मोटी की तरह। कभी तो सच मान लिया कीजिए। काश तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, चार पांच दिन के लिए तुम्हारा मुंह तो बंद हो जाता। डॉक्टर डॉक्टर सुनो डॉक्टर, प्लीज मेरे लिए काम करो। आप एक काम कीजिए, आप इसका सारा खून निकाल लीजिए, बहुत खून है इसके पास, दिन रात मेरा खून पीती रहती है, वो भी स्ट्रॉ लगा के। जोक था, हंसो, तुम्हारे अंदर का खून बढ़ जाएगा, समझी तुम? वैसे हॉस्पिटल में क्या दिवाली में खून डोनेट करने आई थी? बुलबुल का एक्सीडेंट हो गया था, थैंक गॉड वहां पूरा। पूरब का है? मेडिसिन्स लेने के। मैं उसे मिल गया। ए मोटी, कितने की लिखेगी? अरे छिलका की छोड़ दी, इसे भी खा लेना। दी के सामने हक करने की क्या जरूरत थी? पूरा सोचा तो होता कुछ। अगर दिमाग से सोचा होता तो आज यहां थोड़ा बैठा होता, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। तुम्हारी जो हालत थी उसके बाद जब तुम्हें होश आया तो बस हो गया। पर तुम नहीं जानती कि मेरी हालत क्या थी। तुम्हें बेड पे बेहोश पड़े हुए देखा तो एक सेकंड के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई थी। मैं पागल हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं तुम्हें अपने से दूर जरूर देख सकता हूं, बट तकलीफ में नहीं देख सकता। माना कि मेरी शादी कहीं और हो रही है, बट मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए जगह है वो मैं किसी और को नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम खुश रहोगे, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए सही बोलना। मेरे तो कोई खास जीने की वजह रही नहीं, पर तुम खुश रहोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि जिसके लिए मैंने अपना प्यार सैक्रिफाइस किया वो जहां भी है जैसी भी है खुश तो है। इसलिए यू प्रॉमिस मी यू विल स्टे हैप्पी, प्रॉमिस? किस बात का प्रॉमिस ले रहे? बहन से इनकी हेल्थ ठीक रखने के लिए प्रॉमिस ले रहा था। देखना ये ठीक रहेंगी तो इनकी बहन प्रज्ञा भी बिना टेंशन के रहेगी, और प्रज्ञा को की टेंशन नहीं रहेगी तो तू भी तो टेंशन फ्री रहेगा ना। फिक्र तो इसे उस चश्मिश की है, मेरा नाम तो ये ऐसे ही ले रहा है। प्रज्ञा की बहन को यहाँ ले आया और मेरी बहन को वहां छोड़ा है। वैसे हाउ यू फीलिंग? मच बेटर, मैं बस डर गई थी। आई एम सॉरी अरब, ज्वेलरी शॉप के लिए निकला ही था बट बीच में एक्सीडेंट हो गया। कम ऑन डू मी फनी, कोई भी काम किसी की लाइफ से बढ़कर थोड़ी होता है। आई नो यार, बट आलिया भी तो कितने गुस्से में होगी। चलना यार, चलते हैं उसके पास। अरे रिलैक्स, वो ऑलरेडी निकल चुकी होगी और घर पहुंच गई होगी। ओह, तू उसे मनाना चाहता है? आई एम सॉरी बट आई कांट हेल्प यू यार, मैं रिसेप्शन पे जाके आता हूँ। चश्मिश की वजह से ना मैं डॉक्टर के सामने बेवकूफ बन गया। अगर वो नहीं होता ना तो उस चश्मिश का सारा खून है। Excuse me, sir. Sir, sign. मैंने कहा था ना, no signatures, तो formality है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के लिए। Sorry. चश्मिश ने वाकई दिमाग खराब कर दिया मेरा।
इसमें तो पेशेंट के कॉलम में चश्मिश का नाम लिखा है, आईसी, इसलिए इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया। मतलब गलती उस चश्मिश की ही है। अब बताता हूं उसे, घर ही ले जाना। घर चले? जल्दी क्या है, अभी हॉस्पिटल आए तो कुछ टेस्ट भी करवा लेते। इधर आओ, कम यहाँ। सर वो पढ़ के दिखाओ कि वहां क्या लिखा है। चाले, क्या पढ़ा रहे हैं आप? अरे ऐसे मुंह बना रही हो जैसे कि रोज का जाना होता है। चलो ठीक है, ये तो पढ़ लिया तुम्हें, अभी तुम वो पढ़ कर दिखाओ, बताओ क्या लिखा है वहां पर। वो दिख नहीं रहा है मुझे। इसका मतलब तुम्हारे चश्मे का पावर डाउन हो गया है। अच्छा? समझी? आप पढ़ के दिखे। सो सिंपल, उसमें लिखा है कि चलो माना वो तुम्हारे पढ़ने के लिए बहुत दूर है, बट कम विद मी, कम। यहाँ पर क्या लिखा है? ये तो पास में ही है, ये तो पढ़ ही सकती हो ना तुम। ये पेशेंट्स नेम में तुमने अपना नाम क्यों लिखा है? मेरे कमरे में जो मोटी मोटी बुक्स है वो सिर्फ दिखावे के लिए ना, ये पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है तुम्हें। ये बहुत टेंशन थी तो जल्दी में लिख दिया होगा। तुम्हारे जल्दी के चक्कर में वहां पर मैंने तन्नू, आलिया और अपने सारे फैंस को छोड़कर आया हूं, और तुम्हारे इसी जल्दी के चक्कर में वो डॉक्टर के सामने बेवकूफ बन गया मैं। पढ़ने की क्या जरूरत? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। पढ़ने लिखने का बहुत शौक है ना, बचपन से पढ़ती आई हो तुम, तो ये भी कहानी पढ़ी होगी तुमने कि शेर है ना, जिस दिन वाकई मरती होगी ना मैं बचाने नहीं आऊंगा, दादी के डर से भी नहीं। देख क्या रही हो, पंच मारूंगा ना सीधा पेशेंट बन जाओगी, समझी? सो ऑटोग्राफ भी दे दो ना प्लीज। Anywhere else? Thank you. आज तो पूरब को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पूरब? मैंने तो तुम्हें ज्वेलरी शॉप पे बुलाया था। आलिया वो मैं नहीं आ पाया इसलिए यहाँ तुम्हें सॉरी बोलने आया था। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? वो एक्चुअली मैं आ ही रहा था पर बीच में एक्सीडेंट। ये इनोसेंस तो जान ले लेती है मेरी, जानते हो मैं चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो तुम, लेकिन तुम्हारा ये इनोसेंस चेहरा देखकर सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। अब मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक कीमत पर माफ करूंगी कि तुम मुझे किस करो। अरे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो पूरब? हमारी शादी होने वाली है। एंड डोंट टेल मी हम शादी तक ये सब नहीं कर सकते। यू नो आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट जैज, सो कम ऑन। आलिया प्लीज, आई नीड सम टाइम। टाइम? किस चीज के लिए टाइम पूरब? पहले एक पूरा साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, वापस आई तो तब भी तुम्हें टाइम ही चाहिए था। अभी भी उससे प्यार करते हो क्या? ओके फाइन, दिया तुम्हें एक दिन का टाइम। पूरब हमारी शादी होने वाली है, हमारे बीच में और कोई नहीं होना चाहिए पूरब, तुम्हारी यादें भी नहीं। I'll see you soon. चलो चलो भी सारे लोग आ जाओ ना। हाँ इसको अंदर ले जा, कल काम आएगा है ना। वो कितने गया मुंडा मेरा? माता जी तुसी बुलाए सी मैनू? हाँ पुत्र तेनू ही ते लभ रही हां, देख खाने दी जिम्मेदारी तेरी है। ओहो हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुसी चिंता ना करो। ठीक है चलो आओ बैठो बैठो। ओ कितने गया मुंडा? गल सुन पुत्र, गल सुन। मेहमानों को लुक आफ्टर करने की सारी जिम्मेदारी तेरी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी दादी, हो जाएगा। ओके दीदी दीदी, मैंने अभी तो काम देख के मेहमानों की तरह बिठा रखा है मैंने। काम करेगी तू? हाँ। अच्छा चल एक काम कर, तू आराम कर। पर नहीं ये आराम शराम ना, मैंने शादी के बाद करना है, अभी तू मैंने दस ये मेहमानों की तरह नहीं बैठना मैंने। अच्छा ऐसा कर, जिन लोगों को मैंने काम पे लगाया है ना
तू देख के वो लोग काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। ओए, ये तो बड़ा बढ़िया काम है, से करा। चलो भी चलो, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ आराम से बैठो। हा? देखो, मैं चाहती हूँ सब लोग अच्छे से काम करो, पता है ना? काम कैसे करना है? काम ऐसे करना है कि लोगों को याद रहे सालों साल तक कि ऐसी होती है शादी। वैसे भी इस घर में अब ये शादी मेरी आखिरी जिम्मेदारी है, इसके बाद मैं तो चली जाऊंगी तीर्थ यात्रा पे। इसलिए मुझे ये शादी जो है ना, एक यादगार शादी बनानी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। देख रही हूँ मेरी दादी की खुशी, उनकी इसी खुशी के लिए मैं जीता हूं। कल आलिया और पूरब की शादी है, अगर उनकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।